सोचे नहीं थे कि इतनी गंदी सुबह होगी, मेरे मुंह से इतनी गालियाँ निकलेंगी। क्या करें, मूड खराब हो जाए साला गाली ही निकलती। ये आ गई हमारी प्यारी गंगा माता, साइड से बाइक जाने की जगह थी लेकिन इसकी गांड में कीड़ा काटा, रेगिस्तान से ऐसा ट्रांसफर हो गए पहाड़ पे आ गए। अभी नहीं रोटी नहीं, 3 बज गया है। उधर खड़ी अपनी बाइक, अभी हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं, हल्की हल्की भूख लगी थी। उसकी हालत खराब है, अपनी हालत एकदम चंगी। सकल पे सब दिख रहा है ब्रो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग अपडेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। दिस व्लॉग आपको सपोर्ट हमारा। और ये बाप रे, गड्ढे के साथ में विस्फोट। 4:50 हुआ है, अलार्म बज गया, ऐसे ही फोन निकाला वैसे अलार्म बज गया। 4:50 हो गया, सुबह होने लगी है भाई। और कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ, बड़ा लफड़ा हो गया। वो ये था कि हम लोगों को एक्सप्रेस वे पे एंट्री नहीं मिली सर। देखा था ना कि टायर वगैरह खराब हो गया था, उसको बनवाने के चक्कर में वो 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया, जो कि 7 बज गया आते आते वापस से टोल पे। तो जब टोल पे पहुंचे तो उनने बताया कि भैया बाइक को 7 बजे के बाद अलाउ हम नहीं करते। बाइक अलाउ नहीं है आपको, मॉर्निंग में 5 बजे तक ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा पाओगे। तो काफी सोचा फिर यही हुआ कि यार सुबह तक रुकेंगे, रात भर वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो नेशनल हाईवे 19 पकड़ के वापस आए आगरा, आगरा से फिर नेशनल हाईवे 19 पकड़ा और कानपुर होते हुए घर की तरफ रवाना हुए। अभी हम हैं कानपुर में। पूरे रास्ते मतलब 200 किलोमीटर इतनी धूल नहीं पड़ी जितना अभी पिछले 30 किलोमीटर में पड़ी। दिन दिन में ही चले थे, दिन वापस से हो गया। रुकते रुकते आराम से आए थे, जल्दी पहुंचेंगे तब भी घर ही पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे तब भी घर ही पहुंचेंगे। आगरा टू कानपुर इतनी अच्छी रास्ता थी, लेकिन कानपुर एंटर करते ही ना रास्ते इतने बेकार हो गए कि हम लोगों की स्पीड 30 पे आ गई। ट्रक की जो भरमार है इधर भाई, इतनी सड़ी स्मेल आ रही कि अगर साला यहाँ रहना हो तो अस्थमा से मर जाएंगे। इतनी गंदी स्मेल आ रही भाई, रोड की हालत देखो साली, कहीं पे ऐसे ऊंची है कहीं ऐसा नीची है, अगर उस पर पहिया चढ़े तो काम ही खत्म हो जाए। ये अपना एक ही एम है कि घर पहुंच के ना उसके बाद फिर भयंकर सोना है यार। तो सुबह का शेड देखो आसमान में कैसा है, जब सुबह हो रही होती है बिल्कुल ऐसा। अभी कितना 5 बजा हुआ है, क्या मस्त प्यारा लग रहा ना आसमान, बोले तो एकदम झगास। अरे तेरी माँ दी, देख 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 रोड देख, इसकी माँ की क्या करूँ ब्रो, रिस्क लूँ? ट्रक तो ऐसा अपनी MCBC होते भाई, गड्ढा देख गड्ढा देख। लिखा है कानपुर विकास प्राधिकरण, बहन चौध ही माँ चुदाए हैं विकास के नाम पर, पूरे रास्ते की माँ चौध के रख दी ने। बहुत सुबह सुबह गालियां देना नहीं चाहते थे लेकिन साला ऐसा जाहिल रास्ता है ना, देखो अभी दिख रहा होगा। ये आ गई हमारी प्यारी गंगा माता। इधर की जितनी भी फैक्ट्री वैक्ट्री है ना, गंगा माता की भी ऐसी की तैसी करके रख दी है भाई। जो गंदी करके रखी है ना गंगा माता को, कि यहाँ कानपुर में नहा नहीं सकते तुम, आने वाले टाइम में लिख के ले लो, नाला बना के रख देंगे इसको भी, हैशटैग नमामि गंगे, सारा कचरा इसी में पेलेंगे। आई डोंट नो व्हाई बट ऐसे अंदर से गुस्सा सा आ रहा है अजीब सा। एक तुमको करंट का डेटा बताए भाई साहब, एक तुमको करंट का डेटा बताए, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे गंदी नदी जो है, मतलब जिस नदी में सबसे ज्यादा गंदगी है वो पता है, गंगा नदी में। अभी हमको एक बार को लगा था कि यमुना होगी, इन सुबह सुबह पता नहीं इतना बड़ा लेके की गांव पे ले जा रहे हैं। अबे साले एक तरफ चल लो, साले अगल बगल रेस लगा के चलेंगे गंडू। सोचे नहीं थे कि इतनी गंदी सुबह होगी, मेरे मुंह से इतनी गालियां निकलेंगी। क्या करें, मूड खराब हो जाए साला गाली ही निकलती। सुबह हो गई मामू मामू ए मामू। ऑलमोस्ट हमको बाइक चलाते हुए हो गया है साला, कुछ हम बोलने चल रहे होते तो एक गड्ढा गाया जाता है अचानक से। साले दिखते भी नहीं ना इसमें, ना ब्रेक मार सकते ना कट मार सकते भाई, इसमें खाली कुदा सकते। 5 बजे से अभी 5 बज गया, 5 बजे हम लोग निकले थे मथुरा से, 12 घंटे हो गया अभी हम लोग घर नहीं पहुंचे। भगवान की दया थी कि हम लोग जब एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे तब हम लोगों को बारिश मिली, लेकिन उसके बाद से कहीं पे भी फिर बारिश नहीं मिली। साले अचानक से बहन चोत काट देते हैं, ना चाहते हुए भी बाइक चलाते टाइम कार चलाते टाइम मुंह से गालियां निकलती जरूर हैं। हम चाहते नहीं थे कि इतनी भद्दी सुबह हो मेरी, लेकिन साली बहुत ज़्यादा भद्दी सुबह है मेरी। थोड़ा राहत की सांस आई है। लखनऊ लखनऊ बोलो, लखनऊ 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 है यहाँ से 80 किलोमीटर अभी। इधर भाई इतनी फैक्ट्री है ना, अभी देखो ये साला कानपुर से उन्नाव के बीच में जो सड़ी गंध आती है, ऐसा लगता है कि साला टट्टी में जा रहे हैं। इससे बेकार सुबह साली नहीं हो सकती। पास आ रही है ना इधर, ऐसा लग रहा गटर से जा रहे हैं साला, रोड पे चल ही नहीं रहे। हम लोगों ने पता नहीं कितने शहर पार किए, इटावा फिरोजाबाद पता नहीं क्या क्या, लेकिन सबसे वाहियात रास्ते अगर कहीं मिले
तो कानपुर से लखनऊ के बीच के। ये देखो देखा गड्ढा साला, इसमें गाड़ी कूदेगी तो इंसान बचेगा। सालों को टैक्स चाहिए मादर चौधों को, रोड नहीं बनवाएंगे गांडू साले, टोल लगाए होंगे अभी भोसड़ी के आगे। सूरज भगवान के पहले दर्शन हो गए बिल्कुल, इधर से निकल रहे बादल के पीछे झां झां कर रहे, बहुत क्यूट से लग रहे। जय हो सूरज देवता। नाव में ना एक बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं नवाबगंज पक्षी विहार, वो यहीं कहीं पे है, गेट बना हुआ है, अंदर जा सकते हो। हालांकि कुछ खास नहीं, अंदर चिड़िया विड़िया देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी, मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे यूनिक था, तो हम इधर से जा रहे थे तो हमें लगा बताना चाहिए। जंगल जैसा दिख रहा है ना पूरा, ये काफ़ी बड़ा है, इसी को बोलते हैं। ये देखो इधर शायद गेट बना हुआ है, ये एंट्री है नवाबगंज पक्षी विहार की। अबे आसमान कितना चौकस लग रहा है ना, देखो आसमान कितना मस्त लग रहा है, एकदम जबरदस्त। देखो शॉट, देखो सिनेमैटिक, देखो आसमान का आज। इसको हमने रात में एक बाइक चलाने नहीं दिया ना, तो बैठे बैठे इसकी टांगे ऐसा जाम हो गई, तो बोला रुको थोड़ा सा, सबर करो थोड़ा सा, थोड़ा टांगे खुल जाने दो तब आगे चलो। तो वही बस कहीं बीच में नाव में रुके हुए हैं, थोड़ी देर स्ट्रेच करेंगे हाथ पैर, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करें। ज़्यादा नहीं बचा अभी, यहाँ से बचा होगा 80 किलोमीटर, बाराबंकी 50 किलोमीटर, लखनऊ खाना खाया था उसके बाद कंटिन्यू हमने चलाई है लगभग 135-140 किलोमीटर कंटिन्यूसली। आज के आसमान में कुछ ना ऐसा मैजिकल सा है, टोल पूरा चाहिए सालों को भाई, टोल पब्लिक से लेना, सड़क नेताजी की गांड में बनाना भोसड़ी के, है बात की नहीं भाई। सुबह सुबह जो भयंकर मूड खराब हुआ ना, क्या महीने स्लिप मारी ना भाई, बहुत एकदम वाहियात। नेशनल हाईवे गया माचुदा ने, अगला नेता जो है एक्सप्रेसवे बनवा के नाम कमाया है, तो हम भी 75 एक्सप्रेसवे ही बनवाएंगे। भोसड़ी के नेशनल हाईवे ठीक करा लो अभी आज माचुदा ले आके। अब किसकी गांड फट गई आगे, ईद देखो। ये जो लाइन अभी मैंने 5 किलोमीटर की बताई थी, वो 15 किलोमीटर की हो चुकी है भाई, 15 किलोमीटर डन है अभी तक की। ये ट्रक की लाइन चली रही है, वैसा साइड में उतार उतार के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साला इतनी ट्रक्स में जाता आता क्या है बे। आइए आज आपको एक मादर चोस से मिलवाते हैं जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये भोसड़ी वाला अच्छा खासा साइड में था, साइड से बाइक जाने की जगह थी, लेकिन इसकी गांड में कीड़ा काटा, गांडू यहाँ पे खड़ा हो गया आके, ना पीछे कर पा रहा है ना आगे कर पा रहा है साला चूतिया। तो भोसड़ी के तो थोड़ा सा मादर चोद है क्या, इतनी लंबी लाइन भाई साहब। अलग से हम लोग रेगिस्तान में आ चुके हैं और साले अभी भी लाइन चल रही है भाई, क्या कहाँ तक की जाएगी यार ये लाइन, हमको लगता है ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगी भाई। गांडू तू तो ना उड़ा भाई, वाह क्या घास है यार अचानक से हम लोग पहाड़ में आ गए ब्रो, रेगिस्तान से ऐसा ट्रांसफर हो के पहाड़ पे आ गए। देख रहा है विनोद कितना जबरदस्त यूपी का ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितना 400 किलोमीटर चले ना रात भर में, 450 किलोमीटर में हम लोगों की उतनी हालत नहीं ख़राब हुई जितना पिछले 4 किलोमीटर में, 4.6 किलोमीटर में जितनी हालत ख़राब हुई। जहाँ रेगिस्तान और पहाड़ घूम के आए हैं वहाँ थोड़ा ऑफ रोड भी कर लीजिए कीचड़ में अभी ये जो राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर दिख रही है तो ये है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ। तो फाइनली वी आर इन लखनऊ और एक बार फिर से इस बाइक पे मेरा भरोसा ना भयंकर बढ़ गया, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग मसूरी नहीं जा पाए ड्यू टू वेदर कंडीशंस, बट कोई ना नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, जब पैसा इकट्ठा होगा लेके उठाएंगे निकल लेंगे। ये पीछे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ से शहीद पथ लेके हम लोग सीधा फेल देंगे बाराबंकी। भारत माता की जय। एक चीज हमको कहनी है, अभी ये ब्लॉग अभी देख ही रहे हो मतलब अभी देख रहे हो, तो एक चीज हमको ये कहनी है ना, यू डोंट नीड एनी सुपर बाइक, एनी ह्यूज बाइक टू ट्रेवल, आपके पास जो है ना उससे घूम सकते हो बिंदास। आपको अपनी बाइक पे भरोसा होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए और आपके पिछवाड़े में ऐसा दम होना चाहिए, कर सकते हो एकदम बिंदास। ठीक है इतना मोटिवेशन ओके है ना जाओ घूम फिर के आओ। अभी गोप्रो की बैटरी भी डेड हो रही है, कुछ है भी नहीं, अभी धूप ही है और क्या देखोगे,
तो अभी ये ब्लॉग करते हैं पे ख़त्म, और अगर अभी तक ये ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल डेट सीरीज से कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू ब्लॉग, और तब तक के लिए बाय।